अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल विच इज़ निकत परवीन। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ये चिकन रिजाला की रेसिपी, जो कि मुगलई डिश है और ये बहुत मज़े का लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। और आप इसे पराठा या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं और बेबी नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे किसी भी ओकेशन, किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। ये डिश सभी को पसंद आएगा और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ मैंने लिया है चिकन, चिकन को मैंने 1 kg लिया है, अच्छे से वॉश करके इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है। यहाँ लिया है मैंने काजू और पोस्तदाना, इसको मैंने आधा घंटा सोख करके रखा हुआ है ताकि अच्छा से पेस्ट बन सके। और हमें चाहिए होगा दही, तो यहाँ मैंने खट्टा दही यूज़ किया है, 200 grams है। तो यहाँ मैंने सूखी लाल मिर्च लिया है, 4 पीस है, और यहाँ पर गोल मिर्च लिया है मैंने, और मैंने लिया है यहाँ पर एक देसी घी, ये देसी घी 2 tablespoons के करीब होगा। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिर्चा को लेकर के मैंने एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया, बहुत फाइनली पेस्ट नहीं चाहिए। और हमें चाहिए बटर, बटर को हम रूम टेम्परेचर के में रखेंगे, फ्रिज से डायरेक्ट निकाला हुआ बटर नहीं यूज़ करना है। यहाँ मैंने प्याज को रिंग साइज़ में कट कर लिया है, रिंग्स में, तो मैंने यहाँ पर 2 medium size के प्याज को लेकर रिंग्स में कट कर लिया है। और यहाँ नमक चाहिए होगा, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। और मैंने यहाँ पे है ब्लैक पेपर यानी कि गोल मिर्च पाउडर, इसको मैंने 1 teaspoon के करीब लिया है। और यहाँ मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो यहाँ मैंने अदरक का पेस्ट लिया है 1 teaspoon और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1.5 teaspoon। और यहाँ देखिए मैंने चिकन को ले लिया, अच्छे से वॉश किया हुआ चिकन है, इसको हम अच्छे से धो करके ड्रेन करके सुखा लिया है ताकि मैरिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ सबसे पहले हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, तो यहाँ पे मैंने जिंजर और यहाँ मैंने गार्लिक रखा हुआ है, तो हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ अदरक लहसुन डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिर्चा, तो मिर्चा का जो पेस्ट है वो बहुत फाइन नहीं बनाना है, दरदरा बनाना है, बहुत फाइनली हमें पेस्ट नहीं बनाना है इसका। मिर्चा डालने के बाद आप उसमें 2 tablespoons के करीब पानी डालें और मिक्सी चला दें, तो बस आपका ऐसा पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, थोड़ा रख दें। और हम यहाँ पे देखिए ब्लैक पेपर का मसाला ऐड किए हैं, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, तो दही यहाँ पर मैंने पूरा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, तो बटर भी हमने ऐड करना है, तो आधा बटर हम अभी यूज़ करेंगे और आधा हम उसको बनाने के टाइम रिजाला बनाते वक्त हम यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा यूज़ कर लिया है और हम इसे अच्छे से देंगे एक गुड मिक्स। तो मसाला और मीट को हम इतने अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मीट मसाला जो है सारा चिकन में अच्छे से लग जाए, कोटिंग हो जाए। और हम इसे अच्छे से कोट करेंगे, हाथ के हेल्प से करें ताकि हाथों से अच्छा से कोटिंग होता है मसाला का। और बस अब ये कोटिंग होने के बाद हम इसको आधा घंटा रेस्ट पे रखेंगे, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1 से 2 घंटा भी इसे रेस्ट में रख सकते हैं, यानी कि मैरिनेशन में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधा घंटा बाद मैंने फ्लेम को ऑन किया है और यहाँ चढ़ाया है कढ़ाई, तो ये कढ़ाई हम यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट में ऐड किया है मैंने रिफाइंड ऑयल, तो रिफाइंड ऑयल जो है मैंने यहाँ पर 4 tablespoons के करीब ऐड किया है और देसी घी 2 tablespoons के करीब ऐड किया है। और इसे देखिए अच्छे से गर्म होने तक का वेट करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे बटर, जो बटर हमने वहाँ आधा यूज़ किया था और आधा हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो बटर को हमने अच्छे से डाल दिया है और इसे बस मेल्ट कर लेना है ताकि ये घुल जाए, बटर तेल और ऑयल अच्छे से तीनों एक साथ मिल जाए। तो अब हम इसे चम्मच से चलाते हुए इसे मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, हाई नहीं करना है या लो नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हम बटर को और तेल और घी को गर्म कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ये सूखी लाल मिर्च और ये ब्लैक पेपर यानी कि गोल मिर्च, तो यहाँ ऐड कर लेंगे हम। ऐड करने के बाद हम इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे या लाल नहीं करना है, इसे चलाएंगे हल्का सा तेल में। और उसके बाद हम ऐड करेंगे ये प्याज,
जो हमने रिंग्स में कट करके रखा है। तो यहाँ देखिए प्याज को अलग करते हुए हमें हाथ से अलग करते हुए इसमें ऐड करना है, डायरेक्टली आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो बस इसे देखिए हाथ से तोड़ते हुए ऐड करेंगे और जो बाकी रहेगा वो हम चम्मच से इसे अलग अलग करेंगे चलाते हुए। तो देखिए जिस तरीके से इस तरीके से आप हल्का चलाएं और इसे तोड़ते हुए अलग कर लें, सारे रिंग्स को अलग कर लेंगे। और प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राइड लाल नहीं करना है, बस हल्का इतना इसको बनाना है ताकि ये नरम हो जाए बस, और कुछ भी नहीं, इसे लाल नहीं करना है, कोई रंग नहीं देना है। तो देख सकते हैं आप इसको अलग कर दिया है मैंने, और बस देखिए इतना ही नरम चाहिए जितना हमें चाहिए। ये प्याज नरम हो गया है, कोई कलर वगैरह नहीं आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पोस्तादाना और काजू का पेस्ट जो कि हमने बना करके रखा था। देख सकते हैं आप इसको आधा से एक घंटा पहले अगर आप इसको फुला करके यानी कि सोख करके रख देंगे तो इसका पेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए प्याज यहाँ पर मैंने ऐड किया है और पेस्ट कितना अच्छा बना है। तो 1 से 2 मिनट के बाद भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और फ्लेम को रखेंगे अभी मीडियम फ्लेम पे, और हम इसे अच्छे से देंगे गुड मिक्स, अच्छे से चला लेंगे। तो और बस इसे इस तरीके से चला लेना है, और इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, उस बर्तन में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे चिकन में, ताकि जो मसाला बर्तन में रह गया वो चिकन में आ जाएगा और चिकन और दही अपना पानी जो रिलीज़ करेगा उससे ही ये चिकन रज़ाला बन जाएगा। ज़्यादा कुछ पानी का ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बस देखिए मैंने यहाँ अच्छे से चला लिया है इसे। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को हाई और इसमें लगा देंगे लीड। इसको हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम में बनने के लिए रखेंगे और 5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद मैंने जब ढक्कन हटाया है यानी कि लीड हटाया है तो चिकन ने कितना पानी रिलीज़ किया है अपना। तो बस इसी से अच्छे से चला लेंगे और हम इसमें दोबारा से लीड लगा देंगे। तो दोबारा जब लीड लगाएं तो वापस से हम इसे 5 मिनट तक के लिए ही लीड लगा करके हाई फ्लेम पर रखेंगे। और अब हम देखिए 5 मिनट बाद हटाए हैं, तो देखिए इसमें पानी थोड़ा कमा हुआ है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे और चेक करेंगे कि चिकन जो है वो गला है कि नहीं। तो आप यहाँ पे चेक कर ले चिकन गला है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ चिकन गला है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं फोक के हेल्प से दिखा देती हूँ आपको। तो देख सकते हैं आप चिकन अच्छे तरीके से गल गया, बिल्कुल टेंडर हो गया है चिकन। तो चिकन जब गल गया तो वापस से हमें लीड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम हाई फ्लेम पे इसका पानी को सुखा लेंगे। तो देख सकते हैं आप इसका पानी बहुत हद तक सूख गया है। तो देखिए अब जब ये रिज़ाला जो है जब रेडी हो जाएगा तो देखिएगा इसमें एक ऑयल्स का सेपरेट लेयर बन जाएगा, दैट मीन ये रेडी है। तो ये अभी हम इसको पहले अच्छे से भून लेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे बिल्कुल अभी, और मीडियम फ्लेम पर रख के इसे हम भून लेंगे। हाई फ्लेम पे अभी ना रख के क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है, चिकन जलने का चांसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा लेयर आ गया बटर घी का। तो हमें इसे बिना लीड के ही बनाना है, मीडियम फ्लेम पे रख के आहिस्ते आहिस्ते करके थोड़ा थोड़ा देर के बाद हमें चलाते हुए चेक करते रहना है कि ताकि ये तले में लगे ना। तो ये चिकन रिज़ाला की जो ग्रेवी है बिल्कुल हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, और बिल्कुल परफेक्ट वाला कंसिस्टेंसी आया है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल का कितना अच्छा लेयर भी आ गया है। तो ये रेडी है, हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ढक करके रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा जब वो ठंडा होगा तो ये ऑयल पूरे अच्छे तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद कितना अच्छा इसका लुक आया है, और बहुत ही अच्छा ऑयल का सेपरेट, ऑयल घी बटर सब कुछ मिलके कितना अच्छा सा लेयर यहाँ पे आ गया है, और कलर वगैरह भी कितना अच्छा इसका आया हुआ है। तो चिकन रिज़ाला बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको आपको सर्व करके एक बोल में ट्रांसफ़र करते हुए भी दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिकन के पीसेस भी ज़्यादा गला नहीं है, और ग्रेवी जो है बिल्कुल ऑयल छोड़ रहा है, दैट मीन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रेवी बना है, और इसका जो ऑयल है बिल्कुल अच्छे तरीके से ये टेंडर हो गया है, पीसेस भी बिल्कुल टूटा नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो बस आप भी बनाइए, आप भी इंजॉय कीजिए। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो बस इसे इंजॉय कीजिए, इसे बनाइए, आप भी खाइए। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और अपने मेरी वीडियोस और मेरे चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।
और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये वीडियो, ये रेसिपी आपको कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप मुझे वहाँ पर भी जल्दी से फॉलो कर लें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।